हेलो एवरीवन माय माई व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आई डॉ मेघा चौधरी वेलकम यू ऑल इन माय सर्जरी क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड वाटर रेगुलेशन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट परसिस डिस्पाइट चेंजेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड मीन्स एक इंटरनल जो स्टेट है बॉडी के अंदर का जो स्टेट है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना हर चीज का कितना इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए कितना वाटर होना चाहिए कितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए ची, हर चीज का उसका एक इक्विलिब्रियम एक बैलेंस इंटरनल स्टेट का मेंटेन करना उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस डिस्पाइट द चेंजेस आउटसाइड इन द टेम्परेचर नाउ एज वी ऑल नो वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड इट मेक्स अप फिफ्टी परसेंट ऑफ द बॉडी वेट एंड वाटर इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इन बॉडी सो वाटर इज नीडिड इन एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी इन एवरी मेकेनिज्म एंड ईच एंड एवरी सेल नीड्स इट तो हर एक कंपार्टमेंट में वॉटर होता है हमारी बॉडी में दैट इज एक्सट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर इंटस्टिशियल हर एक जगह पे वॉटर की बहुत ही नेसेसिटी है

फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देयर शुड बी वॉटर बैलेंस इन साइड द बॉडी सो जब हम पानी का इनटेक लेते हैं बाय ड्रिंकिंग फ्लूड और बाय ईटिंग फूड तो हमारे अंदर पानी जाता है एंड देट वॉटर गेट्स एलिमिनेटेड थ्रू ब्रेथिंग स्वेटिंग यूरिनेटिंग एंड बॉबल मूवमेंट्स तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है कि पानी कम ना हो जाए और ज्यादा ना हो जाए एक्सेस में हो जाएगा तो इडीमा एंड स्वेलिंग हो जाएगी और कम होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा ड्राईनेस हो जाएगी तो देर शुड बी प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर नाउ रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक जब भी प्यास लगेगी द थर्स्ट मैकेनिज्म इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर इनटेक एंड हाइपोथेलेमिक थर्स सेंटर ऑस्मो रिसेप्टर आर स्ट्यूमलेटेड बाय डीक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी एंजियोटेंसिन सेकेंड और बैरो रिसेप्टर इनपुट ड्राई माउथ सब्सटेंशियल डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर जब भी ब्लड प्रेशर फॉल होगा ड्राई माउथ होगा एंड डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी होगी तो ब्रेन के अंदर थर्ड बेंट्रिकल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे ऑस्मोलिटी को ना रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच सो वाटर रीअबॉर्बेशन इन कलेक्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू एडीएच रिलीज ना वॉट इज एडीएच इट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन तो जब भी यूरिन अगर एक्सेस में आ रहा है दैट इज डायोरेटिक इफेक्ट तो हमारी बॉडी में से जो ब्रेन है वो डिटेक्ट कर लेगा ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे ऑस्मोलिटी एंड विल सिक्रीट ए डी एच डेट विल कॉज रिटेंशन और रीऑब्जॉर्बन ऑफ द वॉटर नेफ्रोन्स के अंदर जो डिस्टिल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं वो रीऑब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को नाउ जब भी डिहाइड्रेशन होगा जब सेल ड्राई होगा तो देर विल बी साइंस एंड सिम्टम्स लाइक सेंसेशन ऑफ थर्स ड्राई माउथ लिप्स डार्क यूरिन जो यूरिन येलो कलर का होगा डिफिकल्टी इन कंसेंट्रेशन इरिटेबिलिटी तो उस टाइम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है वाटर इनटेक करना है वी हैव डिस्कस दिस पार्ट अर्लियर की वाटर लॉस कैसे होगा थ्रू स्वेटिंग ब्रीथिंग यूरिनेशन एंड डेफिकेटिंग ऑल्सो इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया भी वाटर लॉस होता है उसमें सॉल्यूट्स भी लॉस होते हैं नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ वाटर बैलेंस दैट इज डिहाइड्रेशन जब सेल ड्राई हो जाएगा जब पानी कम है नेगेटिव फ्लूड बैलेंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वाटर लॉस ड्यू टू हेमरेज जब सीवियर बर्न्स हैं प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग या डायरिया या प्रफ्यूज स्वेटिंग वाटर डिप्राइवेशन या डायोरेटिक एब्यूज है ऐसी कंडीशन में ड्राईनेस हो जाएगी वाटर कम हो जाएगा इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में नाउ साइंस एंड सिम्टम्स विल बी थर्स्ट ड्राई फ्लस स्किन ऑलिगूरिया मे लीड टू वेट लॉस फीवर मेंटल कन्फ्यूशन हाइपोवॉलमिक शॉक नाउ कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें एक फिक्सड क्राइटेरिया है जितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए उतना ही होना चाहिए वॉटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड उस सोलवेंट के अंदर सोल्यूड्स है जो डिजोल्व होते हैं वॉटर में ये जो सोल्यूड्स है नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मोस्ट ऑर्गेनिक डू नॉट डिजोल्व इन वाटर लाइक ग्लूकोज लिपिड क्रिटेनाइन यूरिया एंड प्रोटीन्स बट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होते हैं वॉटर के अंदर डिजोल्व होते हैं दिस आर आयस इनऑर्गेनिक सॉल्ट और एसिड एंड बेसिस सम प्रोटीनस आयस कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट अब जहां पे सोल्यूड्स ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है ग्रेटर ऑस्मोटिक पावर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर एबिलिटी टू कॉज फ्लूड शिफ्ट फ्लूड मूवमेंट बिटवीन कम्पार्टमेंट नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज ए रूल ऑफ नेचर यूनिवर्स के अंदर ये एक रूल है जहां पे भी हायर कंसेंट्रेशन है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जाएगा वॉटर जाएगा तो जो ऑस्मोसिस है उस प्रोसेस में क्या होता है वॉटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वॉटर विल ऑलवेज मूव टू एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सो so, ऑस्मोसिस में मूवमेंट हो रहा है वाटर का दैट इज सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है वाटर है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ ए लिविंग सेल इन टू ए सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन दैट टेंस टू इक्वलाइज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑन द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन सो दैट्स हाउ द बैलेंस ऑफ वाटर इज में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सॉल्वेंट वाटर का मूवमेंट होगा एंड जिस साइड पे होगा वहां पे ऑस्मरिटी पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब सोल्यूट ज्यादा होंगे जहां सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे उस तरफ ही वाटर मूव करेगा इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन सॉल्यूट्स विल मूव लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स सो इलेक्ट्रोलाइट्स विल मूव टू द हायर कंसेंट्रेशन बाय द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सो दैट्स हाउ द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस Now, हमारी बॉडी में एक फिक्स क्राइटेरिया है जो हमारे कंपार्टमेंट्स से एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर उनमें एक फिक्स कंसेंट्रेशन में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं दैट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अगर उनका कंसेंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स एक्ट करते हैं एंड क्या होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड जो है वो सेल्स के अंदर है वहां पे टू थर्ड वाटर होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है दैट इज आउटसाइड द सेल्स वहां पे वन थर्ड वाटर होता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ बॉडी वेट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है दैट इज डिवाइडेड इन टू इंटर फ्लूड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम जो इंटरस्टिशियल फ्लूड है वो बिटवीन द सेल्स है एंड जो इंट्रा वस्कुलर फ्लूड है दैट इज प्रेजेंट इन द वेसल्स नाउ जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो प्रेजेंट है लिम्फ प्लूरल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी साइनोवियल फ्लूड पेरिकार्डियल फ्लूड सैरेब्रोस्पीनल फ्लूड केस ऑफ डिहाइड्रेशन लाइक वॉमिटिंग डायरिया एंड एक्सेस ऑफ यूरिन आउटपुट देन अवर हार्मोन्स एंड किडनी विल बैलेंस द वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइन नाउ टू हार्मोन्स द फर्स्ट हार्मोन इज एलडोस्टिरोन टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टिरोइड सिक्रिटेड बाय

नाव ब्लड के अंदर एक ऑस्मोलरिटी होती है टू नाइंटी टू थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर सो जब भी ऊपर होगा ब्रेन हमारे ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल में दो स्ट्रक्चर्स है ऑर्गनम वस्कोल एंड सफोनिकल ऑर्गन दिस आर द ऑस्मो रिसेप्ट एंड दे विल डिटेक्ट द ऑस्मुलरिटी ऑफ द फ्लूड्स नाव ये डिटेक्ट क्यों कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बेरियर नहीं है तो जब भी ब्लड प्रेशर फॉल होगा डिहाइड्रेशन होगा तो ये ऑस्मिटी को चेक कर लेंगे एंड इनको पता चल जाएगा देन दे विल सेंड द सिग्नल्स टू द हाइपोथेलमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए अब जब वाटर एक्सेस में बॉडी में है ज्यादा है तो उसको एलिमिनेट करना है डायूरेटिक इफेक्ट होना चाहिए डायूरेसिस होना चाहिए उस केस में देयर विल बी नो सिक्रीशन ऑफ एडीएच बिकॉज इट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन तो अब्जॉर्बशन हो जाएगा वाटर बाहर निकलेगा नहीं तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है तो जब एक्सेस वाटर है एडीएच सिक्रीट नहीं होगा और एडीएच सिक्रीट नहीं होगा तो जो वॉल जो ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन की कलेक्टिंग एंड कन्वोलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल्स दैट विल बी इम्पर्मिएबल टू द दॉटर नाउ जो ए डी एच है एंटी डायोरेटिक हारमोन अगर ये लो कंसनट्रेशन में सिक्रीट होता है तो इट विल प्रोड्यूस एंटी डायोरेटिक इफेक्ट दैट विल कॉज रीअबॉर्बेशन ऑफ द वॉटर बट अगर ये ज्यादा कंसेंट्रेशन में सिक्रीट होगा तो देन इट विल प्रोड्यूस वॉसो कॉन्स्ट्रिकेशन कंजेशन बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉन एज वेसोप्रेसिंग ए डी एच इज ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिंग सो हायर में इट विल प्रोड्यूस वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन

produce adenyl cyclase and that will convert atp into cyclic amp and that will produce enzyme phosphorized protein kinase a now this enzyme is very important also there are vesicles here yellow colored circles are shown which are vesicles and they have a protein channels that channels are called aquaporins बिकॉज इसके थ्रू वाटर ट्रेवल हो जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो जो ये इन्ज़ाइम है फॉस्फोरास प्रोटीन ए, दैट विल बाइंड दिस चैनल्स दिस एक्वापोरिन दिस वाटर चैनल्स नाउ इन चैनल्स के थ्रू जो फ्लूड है जो फ्लूड नेफ्रोन्स में है वो इंटस्टिशल फ्लूड में चला जाएगा ना इंटरस्टिशियल फ्लूड में क्यों जाएगा क्योंकि वहां पे जो ऑस्मुलरिटी पोटेंशियल है वो ज़्यादा है वहां पे सोल्यूट्स ज़्यादा हैं और जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है नेफ्रोन की वहां पे सोल्यूट्स कम है जो ऑसमुलरिटी है हाइपो ऑस्मोलर है एंड इंटरस्टिशल फ्लूड जो है वो हाइपर है तो सॉल्यूट्स की तरफ वाटर मूव करेगा जहां पे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स है वहां पे वाटर मूव करेगा सो दैट्स हाउ रीअबॉर्बेशन विल अकर एंड डिहाइड्रेशन जो है वो ठीक हो जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा सेल्स को सो दट्स हाउ द बैलेंस इज मेंटेन द इ्यूलबेरियम इज मेंटेन्ड सो दट्स हाउ द हार्मोन्स ए डी एच एंड एल्डोस्टेरॉन एंड किडनी मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड